हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मिस मेडिको. मिस मेडिको और मैं आज बहुत ही थैंक्स करती हूँ अपने फॉलोअर्स का ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीटिंग 2K फॉलोअर्स. ये आप ही की सब्सक्रिप्शन है जो मुझे मोटिवेट करती है, जो मुझे इंस्पायर करती है कि मुझ जैसी स्मॉल यूट्यूबर और वर्क करे. मैं आपको बहुत ही थैंक्स कहती हूँ और आपका सपोर्ट जो है वो हमेशा रहना चाहिए मुझ पर, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस प्रेजेंट करूँ और इम्प्रूव कर सकूँ और कुछ थोड़ा सा मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. तो आज मैं जो आपके लिए लाई हूँ, आज है हम रिव्यू करेंगे मीडर्मा सिकार जेल का. इट्स नंबर वन डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट इन USA ऑल्सो. तो ये स्किन केयर के लिए, स्कार्स के लिए, ये जो ट्यूब देखा आपने तो ये मीडर्मा का ट्यूब है. ये बहुत ही अच्छा है स्कार्स के लिए, स्किन केयर के लिए. तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं. मीडर्मा स्कार जेल जो है, इट्स clinically shown to improve the color, texture and overall appearance of scars. जो भी हमारे scars होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो clinically देखा गया है, clinically test किया गया कि जो हमारे scars होते हैं उनकी appearance को perfect करता है, color को perfect करता है या texture जो skin का होता है उसको परफेक्ट करता है. इट वर्क्स फॉर मैनी टाइप्स ऑफ स्कार्स इंक्लूडिंग एक्नी स्कार्स, सर्जरी स्कार्स एंड अदर इंजरीज. जिस भी प्रकार के स्कार्स होंगे, निशान होंगे, चाहे वो एक्नी से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्जरी से स्कार दाग पड़ा हो या इंजरी की वजह से दाग पड़ा हो, किसी भी प्रकार का दाग हो, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए मीडर्मा स्कार जेल बहुत अच्छा जेल है. और मैंने ये खुद यूज़ किया है पेशेंट्स पे और इट्स रियली हेल्पफुल और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है. अगर हम बात करेंगे मीडर्मा स्कार जेल की, तो यू कैन यूज़ स्टार्टिंग मीडर्मा जेल एज सून एज न्यू स्किन हैज़ फॉर्मड, टिपिकली 2 or more weeks आफ्टर द इंजरी आर सर्जरी. 2 to 3 हफ्ते के बाद आप यूज़ कर सकते हो जब स्कार बनेगा किसी भी इंजरी में, किसी भी टियर में या कोई भी प्रकार की परेशानी हो, तो 2 to more हफ्ते के बाद ही यूज़ करना होता है उसको. मेक श्योर द स्कैब हैज़ कम ऑफ नेचुरली, एनी स्टिचेस हैव बीन रिमूव्ड. और इतना आप मेक श्योर करें कि जो भी स्केब है वो रिमूव हुई है या खुद बखुद रिमूव हुई है. जो स्केब चढ़ती है इंजरी पे या स्कार से पहले जो स्केब वहाँ पे होती है या स्टिच्स जो है वो रिमूव होने चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओल्डर स्कार पे आप मीडर्मा इमिजिएटली यूज़ कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है. अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो वो नेचुरल है. एक तो इसमें एलियम सीपा एक्सट्रैक्ट है, जो अनियन है उसका एक्सट्रैक्ट है और एलेंटॉइन है. ये 2 प्रोडक्ट्स इसमें पाए जाते हैं. और इसका जो की बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू मेक द स्कार्स अपीयर सॉफ्टर एंड स्मूथर एंड इट हेल्प्स टू रिमूव द स्कार्स. ये था आज के लिए और आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ. Please keep supporting me in future. Keep motivating me for more and more videos. Thank you so very much.